हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मेरे चैनल में। एंड आज है मेरे पास टेक्नो का स्पार्क गो टू वन। हाल फिलहाल में ये अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये आपको ई कॉमर्स साइट से 7,299 रुपीज में मिल जाएगा। क्या ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं, जानेंगे सिंपल तरीके से। मेरा नाम है हरपाल सिंह, पहली बार इस चैनल पर आयो प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स कंटेन के अंदर टेक्नो वाले आपको सब कुछ दे रहे हैं, अलग से आपको कुछ बाय नहीं करना। बैक साइड मैट फिनिशिंग मिलती है, नीचे टेक्नो स्पार्क की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। इसका जो फ्रेम है पॉलीकार्बोनेट का बना है, उसमें काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। एंड कैमरा कटआउट देखो, थोड़ा सा iPhone 14 जैसी फील करवाता है। IP54 की रेटिंग भी मिलती है और इसमें आपको 3 कलर ऑप्शन भी मिलते हैं एंड लेदर वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। इट्स ए सुपर कूल डिजाइन। जनरली यहाँ पर बजट में इतना कुछ नहीं होता और आप इसे 4 साल तक लैग फ्री यूज कर सकते हो। नॉर्मल स्क्रैच से बचने के लिए टेक्नो वाले आपको स्क्रीन फिल्टर भी लगा कर देते हैं और आप Day 1 पे ही टेम्पर्ड ग्लास लगवा लेना। सामने से आपको पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। तो अब डिस्प्ले की बात करते हैं। बजट के हिसाब से आपको इसमें 6.67 इंच की पंच होल डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पर HD+ का रेजुलेशन भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। तो टेक्नो ने 7,300 में ये सब कुछ कर दिखाया है, जो और किसी ब्रांड ने अभी तक नहीं किया। आउटर वगैरह में यूज करते हो 480 नाइट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है। बेजल्स वगैरह भी एवरेज हैं। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले जस्टिफाई है। वैसे इसमें आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, टच करते ही इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है। फेस लॉक भी स्क्रीन पर चेक करो, काफी बढ़िया काम करता है। तो अब कैमरे की बात कर लेते हैं। रियर में आपको सिंगल 13 MP प्राइमरी सेंसर मिलता है और सेकंड कैमरा जो आप देख रहे हो वो असल में एक कैमरा नहीं है, वो एक आयर ब्लास्टर है। इससे आप अपने AC या TV वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। एंड 8 MP का सेल्फी कैमरा भी मिलता है। और ये रहे कुछ बैक कैमरा के फोटो सैंपल, काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी निकल कर आती है। पोर्ट्रेट शॉट में भी काफी अच्छा एज डिटेक्शन मिलता है। और ये रहे कुछ सेल्फी शॉट, पोर्ट्रेट फीचर सेल्फी में भी देखने को मिलता है। और आप रियर एंड फ्रंट कैमरे से मैक्स फुल HD 1080 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी मैं गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चेक कर लेना। तो प्राइस के हिसाब से कैमरा काफी अच्छा दिया है। परफॉर्मेंस के अंदर इसमें आपको यूनिसॉस T615 प्रोसेसर मिलता है। ये एक 4G चिपसेट है और ये 4G स्मार्टफोन है। एंटूटू स्कोर अराउंड 2 से 2.5 लाख के बीच मिलते हैं। eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR4X रैम दिया गया है। उसी के साथ 4GB रैम 64GB स्टोरेज में एक ही वेरिएंट मिलता है। गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, फिर भी आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो। और हाँ, टेक्नो ब्रांड ने क्लेम किया आप इसे 4 साल लैग फ्री यूज कर सकते हो। ऐप इन आउट का एनिमेशन काफी अच्छा मिलता है, बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी लैग यहाँ पर नहीं मिलता। तो डे बाय डे नॉर्मल टास्क अच्छे से करवा देगा। साउंड क्वालिटी के अंदर ड्यूल स्पीकर मिलते हैं, 3.5 mm हेडफोन जैक भी दिया गया। कॉल क्वालिटी के लिए सिंगल माइक और हाँ, इसमें आपको AI माइक भी देखने को मिलेगा जो नॉइस कैंसिलेशन का काम करता है। एंड हैप्टिक्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं, अप टू 300% तक वॉल्यूम बूस्ट कर सकते हो। DTS इफेक्ट का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो इसका साउंड एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा दिया गया है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 14 के साथ टेक्नो का अपना iOS के साथ बेस्ड रहेगा। ओनली ब्रांड ने 2 ईयर तक का सिक्योरिटी अपडेट दिया है, बाकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। और हाँ, कुछ प्री इंस्टॉलेड ऐप भी इसमें देखने को मिलती है, आप इन्हें अनइंस्टॉल वगैरह भी कर सकते हो। एंड ये फोन आपको एंड्रॉइड गो पर मिलता है, ये फुल वर्जन नहीं है, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। और आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, स्टॉक डायलर का फीचर भी दिया गया है। बैटरी लाइफ की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिलती है एंड डिवाइस सपोर्ट करता है 15 वॉट की चार्जिंग को। 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में ही मिलेगा, 1.5 से 2 घंटे में फुल चार्ज भी हो जाएगी। तो बैटरी लाइफ आपको काफी अच्छी मिल रही है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के अंदर आपको 4.5G मिलता है, ये थोड़ा सा स्पीड आपको बेटर देगा कम्पेयर टू 4G, मतलब 4.5G के बीच ऑटोमेटिक स्विच होता रहता है। बाकी वाइड वन L3 का सपोर्ट भी दिया गया है। ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, वाईफाई 5 और सारे सेंसर भी मिलते हैं। आप इसमें ड्यूल सिम के साथ SD कार्ड भी लगा सकते हो, फुल सिम सपोर्ट भी दिया गया है। तो यार देखो, 7,300 इसका प्राइस है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रहा है और एक बिग बैटरी भी मिल रही है, आयर ब्लास्टर का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना बजट अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए टेक्नो ही एक ऐसा ब्रांड है जो काफी अच्छे और सस्ते फोन लॉन्च करता है, तो उसमें फीचर भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब भी जरूर करना।